हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाबा रामदेव को रियायत देकर सरकारी खजाने को 10 करोड़ का चूना लगाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने योग गुरु बाबा रामदेव को जयराम सरकार की ओर से दी गई रियायतों पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि अरबों रुपए का कारोबार कर रहे बाबा रामदेव पर करोड़ रुपए का रियायतें लौटाना वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पतंजलि योगपीठ को विशेष श्रेणी में रखकर सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपए की शपथ लगाई है। मुकेश ने हैरत जताई कि अरबों रुपए का कारोबार करने वाले भी सरकार की रियायतें हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बाबा रामदेव को प्रतिवर्ष 99 साल की लीज दी जाती तो 100 करोड़ रुपए तो अधिक की आय राज्य को होनी थी, लेकिन बाबा रामदेव ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर इस संपत्ति को 2.40 करोड़ में निपटा लिया। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार धड़ल्ले से फिजूल खर्च को बढ़ावा दे रही है। राज्य में लगातार नए नियम, बोर्ड व आयोग स्थापित कर वहां राजनीति नियुक्तियां देने का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। चोर दरवाजे से भर्तियां करने की बिसात बिछाई जा रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।